बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। सभी मौजूद साथी, हमारे नौजवान भाई, हमारे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, आप सब लोगों को मेरा सलाम। देखिए, युवाओं की जो ताकत है ना, उसका सामना कोई नहीं कर सकता, ये वो सच है। और ये जानता भी है, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि युवाओं में बहुत मजबूत जनून होता है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है, इसका सामना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो बहुजन समाज में जन्मे, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथा का दूत संत रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और अन्य जितने भी महापुरुष हैं, भारतीय संविधान के बनने के बाद, आने के बाद, उससे पहले बहुजन मूवमेंट को अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो मूवमेंट है, मानवतावादी विचारधारा के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, पहले लाल सिंह यादव, नारायण स्वामी, रामानंद स्वामी पेरियार साहब, बिहार की धरती पर जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार के लाइन कहे जाने वाले जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जीवन दास, मेरे रहबर, मेरे आदर माता साहब श्री काशीराम, और वर्तमान में युवाओं को बाबा साहब की विचारधारा में लेके जाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हम करोड़ों नौजवानों के आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बहुजन मूवमेंट को ताकत देने वाले, हिम्मत देने वाले, कमजोरों को एकजुट करने वाले डॉक्टर भरेजी साहब, और बिहार में एक नई क्रांति को जन्म देने वाले कैयूम अंसारी का, ये जो नाम मैंने लिए है, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक जीवन, एक संघर्ष है, एक समय का विरोध है, विपक्ष है। अगर आप इन महापुरुषों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आने वाला कल जो है वो सुनहरा होगा। कैसा होगा? उस सुनहरे कल को लाने के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन पर अमल करना पड़ेगा। अब नौजवान बड़ी रोज सुने, पुराने लोग बैठे हुए, मन को कुछ नहीं समझाना चाहता हूं, समझे हुए लोग हैं। बहुजन नौजवानों में बहुत जोश है। अब आप लोग जो यहां आए हैं, वो तो जागे हुए लोग हैं, यानी कि वो तैयार हो चुके हैं परिवर्तन के लिए, वो तैयार हो चुके हैं अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन जो नहीं तैयार हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों को तैयार करें, जागरूक करें, जब जागरूकता आएगी तो स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मजबूत लड़ाई तैयार होगी, और जब मजबूत लड़ाई तैयार होगी तो तब जाकर आपके अधिकार इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी में आपको